तो हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में बात करते हैं पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड की। दोस्तों, इस स्टॉक में आज फिर अच्छा ट्रेंड देखने को मिल रहा है 2.28% की रैली के साथ। ये स्टॉक 29.10 रुपीज़ की प्राइस पे ट्रेड करता दिखाई दे रहा है एट नियरली 12:46 PM। तो आइए इसके भी लेटेस्ट ट्रेंड जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल चेक कर लेते हैं, इसके लेटेस्ट फाइनेंशियल चेक कर लेते हैं। एंड तक जरूर हमारे वीडियो को ध्यान से सुने। नए आए हो सबसे पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक भी कर दें, आगे शेयर करना मत भूलें। सो आइए दोस्तों, सबसे पहले इस कंपनी के जो लेटेस्ट अपडेट आए हैं, लेटेस्ट फाइनेंशियल आए हैं, उनको एनालाइज़ कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस कंपनी ने अपने क्वार्टरली जो नतीजे हैं वो डिक्लेयर कर दिए हैं। तो हम इस वीडियो में पहले सबसे उसके क्वार्टरली नतीजे जो हैं वो डिस्कस करेंगे, फिर इसकी शेयर की प्राइस की परफॉर्मेंस देखेंगे और इसके बिज़नेस की आउटलुक भी चेक करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इसकी क्वार्टरली अपडेट्स जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो कंपनी है इसका बिजनेस पहले समझ लो। ये कंपनी जो है, दिस इज़ वन ऑफ द पायोनियर्स इन द इंटीग्रेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज इन इंडिया एंड हैज़ अनाउंस्ड इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो इसकी लेटेस्ट अपडेट आ गई है। ये कंपनी कंस्ट्रक्शन सेक्टर की और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी है। सबसे पहले इसके जो क्वार्टरली नतीजे हैं वो देख लेते हैं। क्वार्टर फोर में जो इसके नतीजे आए हैं वहाँ पर टोटल नेट सेल्स में 16.77% की रैली देखने को मिली हुई है और इसकी जो नेट सेल्स है 1298 करोड़ है, जबकि नेट प्रॉफिट देख लो यहाँ पे 297% की बड़ी ग्रोथ देखने को मिल चुकी है और मैनीफोल्ड जंप देखने को मिल चुका है। इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 84.36 करोड़ आया है विद द EPS ऑफ 1.56 इन द क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर 23। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर 22 के मुकाबले कंपनी के नेट प्रॉफिट में बहुत ही ज़बरदस्त रैली देखने को मिली है, बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिल चुकी है। सेल्स भी बढ़ गए हैं 16% के हिसाब से और नेट प्रॉफिट में तो बहुत ही बड़ा जंप है। दोस्तों, बात करते हैं एनुअल नंबर्स की। एनुअल्स नंबर देख लो, नेट सेल्स का पहले बात कर लेते हैं। 24% के हिसाब से बढ़ के 4201 करोड़ हो गई है, जबकि नेट प्रॉफिट देख लो 181% के हिसाब से बढ़ के 154 करोड़ हो गया है। मतलब इसके प्रॉफिट में फिर बढ़िया जंप देखने को मिला है, 181% का जंप देखने को मिला है। EPS 3.19 आया है। तो फाइनेंशियल ईयर 22 के मुकाबले फाइनेंशियल ईयर 23 के नंबर्स भी बहुत ही शानदार रहे हैं और साथ के साथ ही आप देख सकते हो कंपनी के जो क्वार्टरली नतीजे हैं वो भी बहुत ही शानदार रहे हैं। मतलब ओवरऑल इसकी जो परफॉर्मेंस है, आउट परफॉर्मेंस निकल कर आ रही है। तो इसके जो चेयरमैन हैं एंड डायरेक्टर हैं, दैट इज़ रूपन पटेल, उनका क्या कहना है वो भी एक बार देख लेते हैं नंबर्स पे। दिस ईयर हैज़ बिन एक्साइटिंग विद न्यू प्रोजेक्ट्स कमिंग ऑन बोर्ड एंड टेकिंग अवर टोटल ऑर्डर बुक टू ऑल टाइम हाई दैट इज़ बियॉन्ड 20,000 करोड़। तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, इस कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, 20,000 करोड़ रुपीज़ से भी ऊपर है। तो ये एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन इस कंपनी ने अचीव किया है। वी हैव अचीव्ड इम्प्रूव्ड रेवन्यूज एंड प्रॉफिट फिगर्स शो केसिंग द स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस ऑफ अवर बिजनेस इन ए कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। दोस्तों, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में भी कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस की हुई है। तो इसलिए इन्होंने जो है अपना राइट इशू का और कंपनी के ऊपर जो ट्रस्ट किया है शेयर होल्डर्स ने, उनका थैंक्स किया है। एंड कंपनी ने कहा है दे आर वेल कमिटेड टू प्रोवाइड एक्सलेंट रिटर्न्स टू द शेयर होल्डर्स एंड वी रिमेन कमिटेड टू अचीविंग एक्सपोनेंशियल डेवलपमेंट्स इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट ऑफ द कंट्री कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल इकोनॉमिक डिवेलपमेंट। मतलब कंपनी की बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट आ रही है, उन्होंने कहा है कि वो इंडियन इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेंगे और अपने प्रोजेक्ट्स को जो है, प्रोजेक्ट बुक को जो है, ऑर्डर बुक को जो है वो ग्रो करते रहेंगे। तो ये शेयर होल्डर के लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रेंड है। दोस्तों, आज इस स्टॉक में 2.28% की रैली है, लेकिन 29.5 के राउंड एक बड़ा रेजिस्टेंस भी आज देखने को मिल रहा है। 5 डे में पैटर्न देखो तो 19% की ब्रेकआउट रैली हो गई है, 1 मंथ में देखो 92% के बढ़िया रिटर्न्स हैं और जबकि 6 मंथ में देखो 46% के रिटर्न्स हैं। दोस्तों, इस स्टॉक की जो प्राइस थी आप देख सकते हो, दैट वॉज एट अराउंड 13.85 ऑन 28th March। तो आप देख सकते हो नियरली 2 मंथ से भी कम टाइम में ये स्टॉक डबल हो गया है।
इसकी प्राइस डबल से भी ज़्यादा हो गई है। तो ये एक इंडिकेशन है कंपनी सही परफॉर्मेंस में काम कर रही है, सही डायरेक्शन में काम कर रही है। एक ब्रेकआउट पैटर्न जो है वो देखने को मिल चुका है, और इसका जो पहले का रेजिस्टेंस लेवल था दैट वाज नियरली 26, तो इसने अपना जो रेजिस्टेंस लेवल है वो भी ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे देखो, ये इसका जो लॉन्ग टर्म का रेजिस्टेंस था उसको इसने ब्रेक कर लिया है, एक ब्रेकआउट पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, आने वाले टाइम में और भी बढ़िया टारगेट इस स्टॉक में हिट होते दिखाई दे सकते हैं। यदि इस स्टॉक को आप एक साल से ऊपर को होल्ड कर सकते हो तो इसमें 40+ से लेके 45 तक के और इवन 50 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है और वैल्यूएशन भी सही हैं, पीई मल्टीपल्स 11.68 की चल रही है। सो इसलिए आप इसको सिर्फ 50 के टारगेट के लिए नेक्स्ट 1 से लेके 2 ईयर्स तक होल्ड कर सकते हो। अदरवाइज शॉर्ट टर्म में भी ये जो स्टॉक है आपको जो है 35 के लेवल तक भी जाता दिखाई दे सकता है, क्योंकि टेक्निकली बहुत ही ब्यूलिश ट्रेंड इस स्टॉक में देखने को मिले हैं। टेक्निकली ये स्टॉक एक बड़ी ब्रेकआउट जो है वो शो कर चुका है। सो थैंक्स अगेन, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अभी तक यदि आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर दबा दें।